प्रणाम। मैं आप सबका बेटा, आप सबका दुलारा खेसारी लाल यादव को तरफ से, जितने भी हमारी स्टार जनता है, हम तो भी इस पर्दे पे स्टार हैं, आप लोग तो रियल जिंदगी में स्टार हैं। जो स्टार बनाने का क्षमता आप सबके अंदर है, सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है, आज मैं निकला हूँ, बस थोड़ी सी उनके दुखों को अपना दुख समझ के बांटने की कोशिश है मेरी एक। और मैं आए दिन ये चीज़ें करते रहता हूँ, ईश्वर ना करे कि ऐसी चीज़ें, ये आपत्ति आए, लेकिन आती है तो इस दुख में हर इंसान को एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का दुख अपना समझ के उसका हेल्प करना चाहिए सबको। प्लीज़, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं दूसरे मैटर के लिए आया हूँ। आज आप सबसे मदद मांगने के लिए आया हूँ कि आप लोग भी जहाँ से हैं, जैसे भी हैं, आज मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई है। हमारे पवन बाबा हैं, जो कि यहाँ कुछ भी होता है तो सबसे पहले खबर मुझे देते हैं और मैं इनके द्वारा चीज़ों को करता हूँ। ये हमारे चीकू जी हैं, नील जी हैं, हमारे प्यारो रंजन भाई हैं, और मेरे ही नहीं, करीब सब स्टारों के प्यारों हैं। और ये हमारे दिनेश लाल यादव जी हैं, हमारे भाई हैं, जो कि ड्राइव कर रहे हैं, हमें पहुंचा रहे हैं उस स्थल पे। तो बाढ़ जहाँ जहाँ आई है, कोशिश मेरी है, मेरी सामग्री भी पहुंची है, और हमारा छोटा भाई पंकज लेकर हर चीज़ जो गया है सामान, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके दुखों को थोड़ा सा हल्का करूं। अब पूरा जितनी क्षमता है मैं कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूं, जितनी मेरी क्षमता है कोशिश मेरी रहती है कि मैं उतने में हर आदमी का हेल्प कर सकूं। लेकिन आप सबको आगे आना पड़ेगा, जो भी उस जगह पे नहीं है, जो दूर है, आप अपना सामान लोगों के द्वारा पहुंचवा सकते हैं, ताकि इस दुख की घड़ी में उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, नेता अभिनेता जितने भी लोग हैं, आपका दही तो बनता है, क्योंकि हमारे लिए स्टार ये लोग हैं। हम पर्दे पे हो सकता है अपनी कला दिखाते हैं, लेकिन उस कला को सराहने वाले, उस कला को मोहब्बत देने वाले, हमें मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं, और ये आज बड़े तकलीफ में हैं। तो आपको जितना टाइम मिलता है, आप कोशिश करिए, आपके पास जो क्षमता है उस क्षमता को इनके द्वारा, इनके पास और इनके दुख में पहुँचाने का काम करें, ताकि एक इंसानियत के रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ दे दीजिए, एक इंसानियत का जो फ़र्ज होता है वो आपको अदा करना है। कि और कुछ मीडिया कर्मी हमारे लोगों को, मैंने कुछ लोग, सब लोग नहीं, लोगों को लगता है कि फ़ोटो खिंचाने खिसारी जाते हैं। जैसे मैं मुजफ्फरपुर में गया था हॉस्पिटल लेके, वो मेरा विचार है कि मैं लोगों का हेल्प करता हूँ, लोगों को प्रचार लगता है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आज आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ, सच में मैं आज फ़ोटो खिंचाने जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया के लिए खेसारी स्टार हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी जनता ही मेरा स्टार है, मेरा हीरो मेरी जनता है, और उसमें जनता से फ़ोटो खिंचाने जा रहा हूँ, और मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ उनके दुख में। अगर आपको लगता है कि ये फ़ोटो खिंचाना, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा फ़ोटो खिंचाने आज हेल्प करना चाहता हूँ। आज घर से बेघर होकर लोग बांध पे बैठे हैं, रेडी पटरी पे बैठे हैं तिरपाल लगाकर, इसीलिए मैं तिरपाल का भी व्यवस्था किया हूँ, ताकि बरसात जो ज़्यादा हो तो उनको तिरपाल दिया जाए, और खाने का जो सामग्री हो सकता है मेरे तरफ से। और मैं हर आदमी से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा काम करिए, ताकि लोगों तक आपकी जो उनकी दुआएँ हैं, उनको दुआओं में रहिए। और हाँ, तो सॉरी, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, तो बस मैं यही चाहता हूँ। और सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे गायक महोदय हैं, आप लोग को आज यही जनता ने इतना आगे किया है, और आप इनसे अपने शोहरत को चमका रहे हैं, चाहे स्टार जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इनका मदद करने का काम करें, क्योंकि हम लोग आगे आएंगे तो हमें देख कर कई सारे लोग आगे आएंगे, तो ये हमारी उसमें जीत है, क्योंकि ये जियेंगे, ये खुश रहेंगे, तो शायद हमारी खुशी इनके खुशी में ही है, क्योंकि ये खुश होते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है, और इनका आशीर्वाद ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाता है, इनका प्यार ही हमें, इन्हें सिर्फ फेसबुक पे भगवान बना देने से, न्यूज़ चैनल पे भगवान बना देते हैं हम लोग, लेकिन हम इनके बीच में नहीं जाते हैं,
भगवान हमारा आज तकलीफ में है तो हमारा दायित्व बनता है कि आज उस भगवान को हम, अगर वो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है तो उस भगवान के लिए हमें कुछ ना कुछ कर देना चाहिए, हमसे जो शक्तियाँ हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर बेच कर करना भी शुरू करिए, अगर खेसारी आपके दुख में नहीं आता है मत देखिए, मत गाना सुनिए, तब समझ में आएगा खेसारी को ना कि नहीं भगवान का मतलब क्या होता है, हीरो का मतलब क्या। क्योंकि देखिए हम कोई कुछ मेरे लिए नहीं करे और हम उसके लिए करते रहें तो शायद दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी कि नहीं यार हम नहीं भी करते हैं तो हमें तो मिल ही जाता है, जब हम बैठ के मिली खाए खाती तक। हमारे पापा एक बात कह ले। हाँ तो सॉरी।